दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, आज और कल लखनऊ में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, तय होगी आगे की रणनीति, करनाल में प्रदर्शन जारी। ये आपको बता दें कि फिलहाल करनाल में किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसके बीच आज और कल लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें विभिन्न संगठनों के साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ की बैठक लिए प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा को अधिकृत किया है। इसमें प्रदेश के लिए आगे की रणनीति पर विचार होगा। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 9-10 सितंबर को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का ऐलान हुआ था। इस बीच दो दिनों से करनाल में किसान आंदोलन के कारण मिनी सचिवालय का घेराव लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनकी पूरी टीम करनाल में डटी है। इस कारण सवाल उठ रहा था कि शायद लखनऊ में बैठक टल जाए, लेकिन बैठक नहीं टली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि 9-10 सितंबर को बैठक लखनऊ में जरूर होगी। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का पूरा प्लान तैयार किया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, वोट कटुआ बोले जाने पर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा, बोले अखिलेश यादव और मायावती की नासमझी से दो बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन विरोधियों के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से वोट कटुआ कहा जाता है। अयोध्या के रुदौली से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा और पत्रकारों से बातचीत की कि आज का मुसलमान जान चुका है कि कई पार्टियां उनके वोट तो ले लेती हैं लेकिन उनका नेता नहीं बनाती हैं और ना ही पार्टी में उनकी कोई इज्जत होती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मुसलमान आपके गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव और मायावती की नासमझी के कारण दो बार प्रधानमंत्री बने, हालांकि वो इस बारे में कुछ विस्तार से नहीं बोले। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मजलिस 3 सीटों हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद में भाजपा को हराया, हमें हराने मोदी और अमित शाह आए थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली। औरंगाबाद में 21 साल से शिवसेना सांसद को मजलिस ने हराया। किशनगंज में हम हार जरूर गए लेकिन लाखों वोट मिले। उन्होंने दावा किया है कि जहां पर मैं लड़ता हूं वहां पर भाजपा नहीं जीतती है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज को विधानसभा व संसद में उठाने वाला आपका नुमाइंदा हो। ये तभी होगा जब हम सब अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे, एक साथ मुस्लिम जाति एक साथ वोट करेगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM को वोट देने की अपील की है। और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के बिगड़े बोल, कहा हिंदू धर्म को नहीं समझती है भाजपा, माँ दुर्गा के लिए नहीं है कोई सम्मान। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में उपचुनावों से पहले एक बार फिर राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। TMC ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की है, जिसे बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताते हुए चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद TMC ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। TMC ने दावा किया है कि बीजेपी हिंदू धर्म को नहीं समझती है और उसके मन में मां दुर्गा के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा पर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। पार्टी ने उपचुनाव से पहले इस घोषणा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अपने इस फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई घोषणा नहीं, यह पिछले साल की तरह है। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हम चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं, जो भवानीपुर उपचुनाव के लिए TMC उम्मीदवार हैं, उन्हें उपचुनाव में तुरंत भाग लेने से रोका जाना चाहिए। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली को हमने हर तरफ से घेरा, अब मनोहरलाल खट्टर चाहते हैं कि हम दिल्ली छोड़कर करनाल आ जाएं। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पर जोरदार निशाना साधा। करनाल में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर से करनाल में स्थानांतरित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को 5 तरफ से घेर लिया है, वहां बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से हैं, हमें मुख्यमंत्री की इस चाल को समझना चाहिए और दिल्ली की सीमाओं पर अपनी लामबंदी जारी रखनी चाहिए। राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण है, हरियाणा के किसान क्रांतिकारी हैं, वे
हमारे आंदोलन की ताकत हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि मनोहर लाल खट्टर बड़ी चाल चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान दिल्ली से हटकर करनाल की तरफ आ जाएं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती और MSP पर नया कानून नहीं बनाती। और बड़ी खबर, पंजाब में चुनाव से पहले सीटों की अदला बदली। श्रोमणी अकाली दल और बसपा में हुआ 2 सीटों पर समझौता। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने अगले साल पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी के साथ 2 सीटों की अदला बदली करने का फैसला किया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2 विधानसभा सीटें शाम चौरासी और कपूरथला बहुजन समाज पार्टी को देने का फैसला किया है और उसे अमृतसर उत्तर तथा सुजानपुर विधानसभा सीटें वापस ली है। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल ने पिछले महीने अमृतसर उत्तर तथा सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्रों से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की। उस समय बादल ने कहा था कि बसपा की सहमति से यह फैसला लिया गया है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अब ऐलान किया है कि दल ने बसपा से अमृतसर उत्तर और सुजानपुर सीटें वापस ली हैं। इसके स्थान पर बसपा को शाम चौरासी और कपूरथला विधानसभा सीटें दी गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दोनों दलों के बीच में गठबंधन के अनुसार मायावती के अगुवाई वाले बसपा पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 20 पर लड़ेगी जबकि बाकी सीटों पर श्रोमणी अकाली दल चुनाव लड़ेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च और अप्रैल के बीच 2022 विधानसभा चुनाव आयोजित करा सकता है। अगले साल 5 राज्यों में मतदान होना है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी। भारतीय युवा कांग्रेस के बाद अब इस कांग्रेस नेता ने उठाई मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की पैरवी करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र और जनता के हित में ये जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो पुरजोर ढंग से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। रेड्डी की इस टिप्पणी से कुछ दिनों पहले ही भारतीय युवा कांग्रेस ने राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। रेवंत रेड्डी ने बुधवार शाम को यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार जिस तरीके से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। लोकतंत्र के हित में और जनहित में भी यह जरूरी है कि सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई जाए। यह बुलंद आवाज सिर्फ राहुल गांधी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो डरते नहीं हैं, वो पुरजोर ढंग से जनता के मुद्दे उठाते हैं। उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र एवं जनता के हित में भी जरूरी है। यदि आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसानों पर पानी की बौछारें हुई बेअसर, अड़ गए किसान, किसान आंदोलन का नया केंद्र बनने लगा करनाल। आपको बता दें कि फिलहाल SDM की बर्खास्तगी की मांग पर किसान अड़े हैं। इस मांग को लेकर किसान करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर लगातार धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बेमियादी धरने का भी ऐलान कर दिया है। सचिवालय की तरफ बढ़ते किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें, पानी के फब्बारे प्रदर्शनकारियों पर छोड़ दिए लेकिन इसका कोई भी असर किसानों पर नहीं हुआ और किसान अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसानों के लिए अब लंगर की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मांगे ना मानी गई तो धरना लंबा खिंच सकता है। किसानों के आंदोलन का असर अब हाईवे पर दिखने लगा है। हरियाणा के जींद में किसानों ने करनाल में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जींद रोहतक दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। जींद में पहले से ही कई मुख्य मार्ग जाम हैं। यानी साफ है कि अब किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली बॉर्डर से हरियाणा शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा का करनाल अब दिल्ली बनता जा रहा है। यानी दिल्ली की तरह प्रदर्शन अब करनाल में भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर, अब लेफ्ट से सेंटर में आएंगे कन्हैया कुमार। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया कुमार की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। इस मुलाकात से इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार वाम दलों की राजनीति को छोड़कर कांग्रेस का हिस्सा हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाने की सलाह प्रशांत किशोर ने पार्टी लीडरशिप को दी है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी से कन्हैया कुमार की मुलाकात
शुरुआत भी हो चुकी है। प्रशांत किशोर की राय है कि पुराने नेताओं का जलवा खत्म होने और नई पीढ़ी में कोई गद्दावर नेता ना होने की भरपाई कन्हैया कुमार की एंट्री से की जा सकती है। कन्हैया कुमार बीते 1.5 सालों से CPI में भी सक्रिय नहीं है, इससे भी इन अटकलों को बल मिला है। हालांकि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में संभावित एंट्री को लेकर बिहार कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है। माना जा रहा है कि कई नेता उसकी संभावित एंट्री से खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कन्हैया कुमार के संबंध उनकी ही पार्टी के बड़े नेताओं से अच्छे नहीं है। हैदराबाद में हुई CPI की एक बैठक में तो अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। इसी घटना के बाद कन्हैया कुमार ने पार्टी मुख्यालय का अपना दफ्तर भी खाली कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि कम उम्र में उनकी लोकप्रियता ने बड़े नेताओं को झटका दिया है। आपको बता दें कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल होंगे। यदि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो BJP की मुश्किलें बढ़ना तय है। और ये बड़ी खबर, मंडल और कमंडल को एक साथ साधेगी BJP। अयोध्या में होगी OBC मीट, मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राज्य के OBC मतदाताओं को लुभाने के लिए अयोध्या में एक अहम बैठक आयोजित करने जा रही है। 18 सितंबर को अयोध्या में होने वाली OBC मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय OBC मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण की अध्यक्षता में होने वाली राज्य कार्यकारिणी बैठक में राज्य के शीर्ष नेतृत्व के अलावा यूपी के सभी OBC सांसद और विधायक भी भाग लेंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सियासी समीकरणों को देखते हुए भाजपा इस बार पहले से बेहतर तरीके से मंडल और कमंडल दोनों समुदाय के वोटरों को साधने की कोशिश में है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।